साथियों नमस्कार। शुरुआती की वीडियो में हमने पढ़ा था परमाणु का संगठन कि परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन अपरमाणु कणों से मिलकर बना होता है, वो विभाज्य कण है। नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि परमाणु का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। परमाणु का द्रव्यमान उसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के द्रव्यमानों का योग होता है। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आणविक द्रव्यमान, मास ऑफ मोलेक्यूल। आणविक द्रव्यमान का जो अर्थ होता है वो ये है कि एक से अधिक परमाणु का समूह मिलकर के अणु का निर्माण होता है और पदार्थ या द्रव्य का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हम एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात नहीं करके परमाणु के समूह का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। द्रव्यमान ज्ञात करने की विधि वही है कि प्रत्येक परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, उनका योग करेंगे। उसके बाद उस परमाणु के समूह में कितने प्रकार के कितने कितने परमाणु हैं, उन सभी का द्रव्यमान ज्ञात करके और उनका योग करेंगे तो पूरे आणविक द्रव्यमान ज्ञात होता है। शुरुआत में देखते हैं कि आणविक द्रव्यमान की परिभाषा क्या होती है। तो किसी पदार्थ, पदार्थ का मतलब यहाँ पर है दो या दो से अधिक परमाणु का समूह। यहाँ पर परमाणु समान प्रकार के भी हो सकते हैं और भिन्न प्रकार के भी हो सकते हैं, का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक, संघटक का मतलब यहाँ पर वो पदार्थ या परमाणु का समूह जिसमें कितने प्रकार की परमाणु हैं और वो कितनी कितनी संख्या में, उन सभी का द्रव्यमान ज्ञात करके योग करना पड़ेगा। संगठक परमाणु के द्रव्यमानों का योग ही आणविक द्रव्यमान कहलाता है। AMU एटम मास यूनिट, यूनिफाइड मतलब एकीकृत। यहाँ पर एक परमाणु का द्रव्यमान हम नहीं ज्ञात कर रहे हैं, सभी परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करके उनका योग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम उसकी इकाई यूनिफाइड एकीकृत के रूप में दर्शाते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। H2O जल का अणु का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। आपको पता है कि जल के अणु में कुल दो प्रकार के परमाणु उपस्थित है, एक हाइड्रोजन जो संख्या में दो है, दूसरा ऑक्सीजन जो संख्या में एक है। कुल मिलाकर के परमाणु का समूह या जल के अणु में कुल तीन परमाणु हैं। तीनों ही परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करके तीनों का योग कर देंगे तो इस पूरे परमाणु के समूह का द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा और उसी को ही हम आणविक द्रव्यमान कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं। हमने देखा था कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक होता है। हाइड्रोजन के नाभिक में प्रोटॉन एक लेकिन न्यूट्रॉन शून्य होता है। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो m बराबर ई प्लस एन। हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, तो एक प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जीरो, तो बराबर जीरो एक यूनिट या किलोग्राम। एक हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान होता है एक, तो यहां पर कितने है दो, एक का एक होता है तो दो के कितने हो जाएंगे, सीधी सी बात है दो,
नेक्स्ट हम ज्ञात करते हैं ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आप सबको पता है 8 होता है, तो उसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन भी 8 होते हैं, और जितने प्रोटॉन हैं उतने क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो 8 ही प्रोटॉन 8 ही न्यूट्रॉन, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान m बराबर p प्लस n, 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन बराबर 16। तो यहां पर एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान आया 16, और दो हाइड्रोजन परमाणु का आया 2, तो दोनों का योग करो, तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु इसका द्रव्यमान आया 2, प्लस ऑक्सीजन का 1 परमाणु इसका द्रव्यमान आया 16, दोनों का हमने योग किया तो आ गया 18 यूनिट। यूनिट का मतलब दोनों को हमने एकीकृत कर दिया, तो 18 यूनिट H2O जल के अणु का आणविक द्रव्यमान है। कुल मिलाकर के किसी भी परमाणु के समूह में कितने प्रकार के परमाणु हैं और वो कितनी कितनी संख्या में, उसी के आधार पर प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करके सभी परमाणु के द्रव्यमानों का योग करके आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण आपके सामने और लिखा हुआ है NH3 अमोनिया। इसी पदार्थ या अणु के अंदर 1 नाइट्रोजन का परमाणु है, 3 हाइड्रोजन के परमाणु, कुल मिलाकर के 4 प्रकार के परमाणु का यह समूह है। तो ज्ञात करते हैं इसका आणविक द्रव्यमान। आप सबको पता है कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो नाइट्रोजन की परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन भी 7 और न्यूट्रॉन भी 7, तो नाइट्रोजन का परमाणु का द्रव्यमान m बराबर p प्लस n, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग के बराबर होता है, तो 7 ही प्रोटॉन और 7 ही न्यूट्रॉन, टोटल हो गया 14। एक नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात हो गया। अब शेष बचा हुआ हाइड्रोजन का परमाणु। पिछले उदाहरण में हमने देखा कि एक हाइड्रोजन की परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है, तो यहां पर कितने हैं, 3, तो 1 का 1 2 का 2 3 का 3, या फिर आप 1 × 3 करके ज्ञात कर सकते हो, तो इसका हो गया 3। तो पूरा आणविक द्रव्यमान क्या हो गया, 14 नाइट्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान हो गया, प्लस यहां पर 3 हाइड्रोजन के, तो 3 इसके हो गए, कुल मिलाकर के 17 यूनिट अमोनिया का आणविक द्रव्यमान प्राप्त होता है। इस वीडियो को पढ़ने या समझने के लिए अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। ध्यान रखना है एक परमाणु कार्बन का है, 2 परमाणु ऑक्सीजन का है, कुल इसमें 3 परमाणु है, तो तीनों का अलग अलग द्रव्यमान निकाल करके तीनों का योग कर देना है, जो भी मान आता है वो इसका आणविक द्रव्यमान होता है। धन्यवाद।